नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है वो सीटेट वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ईवीएस में परिवार एवं मित्र के बारे में। यहाँ पर अध्याय वाइज में यहाँ पर प्रश्न करवा रहा हूँ, जिसमें आपको थ्योरी मिलेगी सबसे पहले, फिर उसके एमसीक्यू मिलेंगे, उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से लगाकर 2023 तक, यानी कि एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। एक अध्याय में जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो थ्योरी हो, एमसीक्यूज हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, सारी चीजें आपको एक ही वीडियो मिलने वाली है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। इस प्रकार के और भी वीडियो चाहिए, आगे के अध्याय आपको चाहिए, तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा, जल्द ही इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे, है ना। तो आपको सबसे पहले इसको लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम परिवार के बारे में जानते हैं कि भाई परिवार होता क्या है ना, कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं परिवार। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैमिली कहा जाता है। और इसे लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लैटिन भाषा के ये फेमुलस शब्द से बना हुआ है। जो फैमिली किस शब्द से बना हुआ है? लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से बना हुआ है। इस पर गौर करिएगा, इसको याद करिएगा। अब बात करते हैं भाई परिवार होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे परिवार के बारे में कि भाई परिवार किसे कहते हैं। तो लोगों के समूह और घर में एक साथ मिलकर रहने वालों को क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। अब बात करते हैं कि भाई परिवार कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो परिवार कई प्रकार के होते हैं, है ना, एक या दो प्रकार के नहीं होते हैं, तो आगे हम उसका वर्गीकरण करेंगे। लेकिन सीधा सीधा यदि आपसे पूछे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको करेक्ट आंसर करके आता है दो प्रकार के, है ना। जो सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो आपका एकल परिवार है और संयुक्त परिवार है, और इन दोनों के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार को ही मूल परिवार कहा जाता है, और यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया गया है, जिनमें लोगों की संख्या कम होती है, यानी कि माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उस परिवार को एकल परिवार कहा जाता है। और संयुक्त परिवार में जो लोगों की संख्या होती है वो ज्यादा होती है, जैसे कि माता पिता, उनके दादा दादी, उनके बच्चे, चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित। एकल परिवार में जो अविवाहित बच्चे होते हैं वही होते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित, चाचा चाची भी रहते हैं, ताऊ ताई भी रहते हैं, यानी कि इनकी जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है। ये पहले बहुत ज्यादा प्रचलित था, लेकिन अब जो प्रचलित है वो आपका एकल परिवार है ना। इतनी सब बातें समझ में आ गई, तो हम यहाँ पर एकल परिवार और संयुक्त परिवार को और अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एकल परिवार किसे कहते हैं कि जिस परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एकल परिवार कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? भाई जिस परिवार में माता पिता भी रहते हैं, उनके अविवाहित बच्चे भी रहते हैं, है ना, बच्चों के साथ साथ दादा दादी भी रहते हैं, चाचा चाची भी रहते हैं, ताऊ ताई भी रहते हैं, और उनके भी बच्चे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और सभी को पता है, सरल सी बात है ना। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसे फैमिली ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैमिली ट्री कहा जाता है, कि परिवार के सदस्यों को एक ट्री चार्ट द्वारा दिखाया गया जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? फैमिली ट्री कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है ना, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम कुछ परिभाषाएं को देख लेते हैं कि भाई आपकी जो परिभाषाएं हैं परिवार की, उनमें जो इंपोर्टेंट परिभाषाएं हैं, लगभग लगभग तीन या चार परिभाषा में बताऊंगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली परिभाषा है आपकी मैकाइवर, पेज के अनुसार इनका क्या कहना है परिवार के बारे में, कि परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। यानी कि जो परिवार होता है वो एक यौन संबंधों पर आधारित होता है, एक छोटा प्रकार का होता है, उसका आकार कैसा छोटा इनके द्वारा बताया गया है, और जो बच्चे होते हैं उनका जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है परिवार, है ना। ये किसके अनुसार बताया गया है? मैकाइवर और पेज के अनुसार, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी परिभाषा है आपकी क्लेयर के अनुसार, जो क्लेयर महोदय हैं इनके द्वारा क्या कहा गया है परिवार के बारे में, कि जहां पर माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। ये किसका कहना है? क्लेयर का कहना है ना। आगे बात करेंगे लूसी मेयर के अनुसार, इनके द्वारा क्या कहा गया है परिवार के संबंध में, कि परिवार एक एक ग्रस्त समूह है ना। लूसी मेयर के द्वारा क्या कहा गया है कि परिवार क्या है? एक ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतान साथ साथ रहते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है?
लूसी मेयर के द्वारा कहा गया है ना। एक और परिभाषा देखते हैं कर्वे के अनुसार, इनका क्या कहना है कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। इनका मतलब है कि जो भारत में संयुक्त परिवार होता है उसी का अर्थ क्या क्या माना है इन्होंने, उससे ही परिवार माना है भारत में, है ना। तो याद रखिएगा ये कर्वे के अनुसार है, लूसी मेयर के अनुसार है, ये क्लेयर के अनुसार है और ये मेकाइवर पेज के अनुसार है ना। ये कुछ इंपोर्टेंट परिभाषाएं थी, चार रखी है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके कुछ और परिवार होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उससे पहले हिंदू संयुक्त तो परिवार की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है और कौन कौन से हैं, है ना। दो नियम मैं आपको बताऊंगा जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए हिंदू संयुक्त तो परिवार को संपत्ति के आधार की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा, जो कि इंपोर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है मिताक्षरा का नियम और दूसरा है आपका दाय भाग का नियम, है ना। तो सबसे पहले मिताक्षरा के नियम की बात करें तो यह नियम लगभग संपूर्ण भारत में प्रचलित है। याद रखिएगा जो मिताक्षरा का नियम है ये संपूर्ण भारत में प्रचलित है। जिसके प्रवर्तक के बारे में पूछे, भाई सीधा सीधा भी पूछा जाता है कि मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा विज्ञानेश्वर थे। कौन थे? विज्ञानेश्वर थे, जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर इस सिद्धांत की रूपरेखा बनाई। तो इस नियमानुसार परिवार के संपत्ति पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार है। ये प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन सा नियम है या फिर वो कौन सा परिवार है जिसके जिस परिवार के संपत्ति पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार है, वो कौन सा परिवार है या फिर कौन सा नियम है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये पूछा भी गया है तो वो आपका मिताक्षरा का नियम है। कौन सा है? मिताक्षरा का नियम। अब बात करते हैं दाय भाग के नियम के बारे में, क्योंकि दो भाग बताए थे परिवार के, है ना, हिंदू संयुक्त परिवार के संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से। तो दाय भाग का नियम क्या कहता है कि भाई इस नियम की जो प्रथा है उसका जो प्रचलन है वो केवल कहां पर है? बंगाल में है। ये पूरे भारत में प्रचलित है, लेकिन जो दाय भाग का नियम है वो केवल बंगाल में ही प्रचलित है, जिसमें संपत्ति पर अधिकार उन परिवारों के सदस्यों तक ही सीमित है जो मूल व्यक्ति को पिंडदान कर सकते हैं। यदि यहां पर पूछे कि उस परिवार के बारे में आपको बताना है जिसमें संपत्ति पर अधिकार उन परिवारों के सदस्यों तक ही सीमित है जो मूल व्यक्ति को पिंडदान कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये दाय भाग के नियम के अंतर्गत आता है और यही इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार से सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे परिवार के बारे में। देखिए सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा गया था और चार विकल्प थे जिसमें पूछा गया था कि भाई कौन सा विकल्प सही है ना, कूट में आपको आंसर देना था। और उसमें एक ही विकल्प सही था आपका, ये वाला कि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार को केवल एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, है ना। तो इसके आधार पर कुछ मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट परिवार है उनको रखा है। जैसे तो सबसे पहले बात करते हैं पितृसत्तात्मक परिवार के बारे में कि भाई पितृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। तो ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या फिर पूरा अधिकार किस पर होता है, जो वरिष्ठ पुरुष होता है घर में या फिर जो पिता होता है उसके हाथों में होता है। यहाँ पर देखिए इस परिवार में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, पितृ यानी कि पिता, है ना। और ऐसा जो परिवार होता है वो लगभग पूरे भारत में पाया जाता है, तो यहाँ पर उस परिवार को क्या कहते हैं, ऐसे परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं, है ना। याद रखेगा जो वरिष्ठ पुरुष होता है या फिर जो पिता होता है वो घर का मुखिया होता है, तो उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। आगे बात करें जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत पूछा जाता है सीधा सीधा कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ये हेनरी मेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। किसके? हेनरी मेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अब बात करते हैं मातृसत्तात्मक परिवार। देखिए यहाँ पर पितृ यानी कि पिता के हाथों में होता है सारा अधिकार और यहाँ पर मातृ यानी कि माता के हाथों में होता है। ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या फिर पूरा अधिकार वरिष्ठ महिला या फिर माता के हाथों में होता है, ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। और इस प्रकार का जो परिवार है वो भारत में मालाबार के नायरों में, आसाम के खासी व गारो जनजातियों में देखने को मिलता है, जहाँ की जो महिलाएं होती हैं, जो वरिष्ठ महिलाएं होती हैं, वो जो घर की जिम्मेदारी होती है उन पर होती है ना, वो वहां की मुखिया होती है, उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं, है ना। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं पित्र स्थानीय परिवार के बारे में। कौन सा परिवार की बात करेंगे हम? पित्र स्थानीय परिवार की बात करेंगे। और ऐसा जो परिवार है ये पूरे भारत में प्रचलित है और इस परिवार में विवाह के बाद जो पत्नी होती है वो अपने पति के साथ पति के माँ बाप के घर यानी कि अपने ससुराल में रहती हैं और इस परिवार को क्या कहते हैं? पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। और इस प्रकार का जो परिवार है वो हिंदुओं व मुसलमानों में सर्वाधिक पाया जाता है, जो कि भारत में सभी
जगह ये प्रचलित है इस प्रकार का परिवार, जिसमें जो पत्नी है वो अपने पति के साथ पति के घर में, यानी कि जो माँ बाप होते हैं पति के, उनके साथ रहती है, उसे क्या कहते हैं, ससुराल कहते हैं। और इस प्रकार के परिवार को पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। आगे हम बात करेंगे मामा यानी कि मातुल स्थानीय परिवार के बारे में, और ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया था इस प्रकार का। देखिए मातुल यानी कि मामा है ना, ऐसा जो परिवार होता है जिसमें विवाह के बाद जो पति पत्नी होती है वो कहाँ पर रहते हैं, पति के मामा के घर जाकर रहते हैं, जो पति होते हैं उसके जो मामा होते हैं उनके घर जाकर रहते हैं, और इस परिवार को क्या कहते हैं, मामा या फिर मातुल स्थानीय परिवार कहते हैं। और इस परिवार, ऐसे जो परिवार है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ट्रोपियांड्रा द्वीप वासियों में पाए जाते हैं। कहाँ पर, ट्रोपियांड्रा द्वीप वासियों में कहा जाता है। एक पॉइंट मैंने और रखा है मालोका, पूछा जाता है कि वह मालोका क्या है, तो याद रखिएगा मालोका एक प्रकार का क्या है, घर है ना, मालोका क्या है, एक प्रकार का घर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए दो और मैं यहाँ पर आपको परिवार बताऊंगा, उसके बाद में हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। देखिए पितृवंशी परिवार, और इसके बारे में भी पूछ जाता है, पितृ ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा पिता के वंश के अनुसार चले, पिता के वंश के अनुसार चले एवं पिता के मरने के बाद उत्तराधिकारी उसका पुत्र बने, उस परिवार को क्या कहते हैं, पितृवंशी बने। सीधा सीधा सी बात है, पितृ यानी कि पिता, पिता का जो वंश है उसी के अनुसार जो उसका वंश है वो चले, या फिर कह सकते हैं कि उनके मरने के बाद उत्तराधिकारी उसका पुत्र बने, उस परिवार को क्या कहते हैं, पितृवंशी परिवार कहते हैं। और इस प्रकार का जो परिवार है वो पूरे भारत में पाया जाता है। इसका अपोजिट देखते हैं मातृवंशी परिवार में क्या होता है, इसमें माता के वंश के अनुसार चलता है पूरा वंश, है ना, माता के मरने के बाद जो उत्तराधिकारी है वो पुत्री बनती है, और इस परिवार को क्या कहते हैं, मातृवंशी परिवार कहते हैं इस प्रकार के परिवार को, है ना। तो ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखना है। अब कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वही परिवार में बालक को समाजीकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। परिवार में यहाँ पर पूछा जाता है कि बालक को समाजीकरण की शिक्षा किसमें प्रदान की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए परिवार में प्रदान की जाती है। ये आपके पेडागोजी में आते हैं, और पेडागोजी के प्रश्न भी मैंने रखे हैं परिवार से संबंधित, है ना। परिवार में बालक का जो प्रथम गुरु है वो कौन होता है, पूछते हैं, सीधा सीधा माँ होती है, जैसा कि ये सभी को पता है। परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है, छोटी इकाई है, पूछा जाता है कि भाई समाज की एक छोटी इकाई क्या होती है, फिर प्राथमिक इकाई क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए परिवार होती है। परिवार को सामाजिक जीवन को प्रारंभिक पाठशाला कहा जा सकता है, ये पूछा जाता है कि भाई सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए परिवार को कहा जाता है। भारत में लड़के और लड़कियों की जो न्यूनतम विवाह योग्य आयु पूछा जाता है सीधे सीधा, तो आपको पता होना चाहिए भाई लड़के की जो आयु होती है वो 21 वर्ष होती है, और जो लड़कियों की आयु होती है वो आपकी 18 वर्ष होती है। साथ में भारत में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया है ये कब पारित किया गया था, तो ये 2006 में पारित किया गया था, और इसे लागू कब किया गया था, 2007 में लागू किया गया था। मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, ये भी आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, तो ये सर्वप्रथम जो खोज की थी वो लैंड स्टिनर द्वारा की गई थी, नाम याद रखिएगा। आगे इसी से संबंधित काफी प्रश्न पूछ जाएंगे जिसके आंसर आपको पहले देना है ना। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम लैंड स्टिनर द्वारा की गई थी, और समाज की सबसे छोटी इकाई जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था किसे कहा जाता है, तो ये परिवार को कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट हैं। अब हम यहाँ पर कुछ और देखेंगे। देखिए ये आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका ईवीएस में, कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 3 से 5 के पर्यावरण अध्ययन में कितने थीमों का विभाजन किया गया था, 6 थीमों में, है ना। यहाँ पर आपसे कक्षा भी पूछी जा सकती है, तो 3 से 5 आपको याद रखना है, किसके अनुसार पूछा जा सकता है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार। अब वो 6 थीम कौन कौन सी है, तो ये आपके सामने है, परिवार एवं मित्र है, भोजन है, याद रखेगा काफी प्रश्न आपके जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उसमें काफी प्रश्न इससे देखने को मिले थे। तो परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, और चीजें जो हम बनाते हैं, ये 6 प्रकार की आपकी थीम है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। अब यहाँ पर उप थीम भी है भाई, उप थीम भी पूछी जाती है, उप थीम कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। किसके होती है, तो परिवार एवं मित्र की। ऐसा भी पूछा गया है कि जो 4 उप थीम है,
या फिर पर्यावरण अध्ययन में जो उप थीम है वो किसकी है, तो ये भी आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है सीटेट एग्जाम में। तो आगे इस पर चर्चा करेंगे जो कि आपके सामने है। परिवार एवं मित्र की कितनी थीम बताई गई है, उप थीम चार बताई गई है, कौन कौन सी, एक आपका संबंध है, कार्य तथा खेल है, जानवर है और पौधे हैं, ये चार प्रकार की क्या है उप थीम है ना। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि इन चारों विकल्पों में से थीम कौन सी है या फिर इन चारों विकल्पों में से उप थीम कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए थोड़ा सा संबंध और रिश्ते नाते की बात कर लेते हैं कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को ये पूछा गया आपके सीटेट एग्जाम में, है ना। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, वली अम्मा कहा जाता है, और अपनी माँ की माँ को क्या कहा जाता है, यानी कि दादी को क्या कहा जाता है, अम्मम्मा कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में मलयालम में पिता के छोटे भाई को क्या कहा जाता है, जिसे चाचा कहते हैं, इसे चितप्पन कहा जाता है चाचा को, है ना मलयालम में। और पिता के छोटे भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है, अर्थात चाची को, कुजम्मा कहा जाता है, चाचा को चितम्पन कहा जाता है, वो चाची को कुजम्मा कहा जाता है ना। और मलयालम में पिता को अचन कहा जाता है, याद रखिएगा मलयालम में पिता को अचन कहा जाता है, और माँ को क्या कहते हैं, अम्मा कहा जाता है। इसमें से एक प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात करें कि भाई ये तो वह मलयालम में, अब लद्दाख की हम बात करें कि माँ को क्या कहते हैं, पिता को क्या कहते हैं और बाबा को क्या कहते हैं। तो माँ को कहा जाता है आमाले, पिता को कहा जाता है आबाले, और बाबा को कहा जाता है मेमेले, है ना। इन तीनों को आपको पता होना चाहिए, माँ को क्या कहा जाता है, पिता को और बाबा को, है ना। याद रखिएगा माँ को आमाले, पिता को आबाले और बाबा को मेमेले कहा जाता है। चलिए अब हम सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट थे, जितने भी परिवार एवं मित्र की जानकारी थी, वो सारी मैंने आपको दे दी है। अब यहाँ पर हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। सीधा सीधा प्रश्न है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, एक दो तीन चार, सभी को पता है परिवार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले आंसर आपको देना है, क्यों देना है, क्योंकि तो मैं इसकी सारी जानकारी आपको पहले दे चुका हूं, यहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आंसर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से, या फिर कॉपी में आप एक दो तीन चार करके, जैसे कि एक लिखा उसके आगे आंसर लिख लिया, दो लिखा फिर आंसर लिख लिया, तीन लिखा फिर आंसर लिख लिया, तो ऐसे भी आप आंसर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और अंत में बता सकते हैं कि इन प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए, आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाएगी। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं, भाई दो प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त परिवार होता है और एक एकल परिवार होता है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है और एकल परिवार आपका छोटा परिवार होता है। चलिए दूसरा प्रश्न कि जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं। सरल सा प्रश्न है, इसके बारे में आपको बताया था कि एकल परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार, व्यापक परिवार या फिर उपरोक्त में से कोई। एकल परिवार माता पिता और अविवाहित बच्चे रहते हैं, और दूसरा है आपका संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप ये सब रहते हैं, इस परिवार को क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं, है ना। तीसरा प्रश्न, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण आपको बताना है। जो एकल परिवार क्यों अधिक प्रचलित है, इसका प्रमुख कारण आपको बताना है, क्या जनसंख्या है, क्या महंगाई है, कलह की संभावना है या फिर ये सभी। देखिए एकल परिवार में जो संख्या है वो कम होती है, तो जनसंख्या बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, है ना, कम जनसंख्या होती है, महंगाई कम है तो महंगाई बिल्कुल कम होगी, कलह की संभावना बिल्कुल कम होगी, तो विकल्प कौन सा सही होगा आपका, ये सभी। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है, ये सभी है, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसी परिवार को दर्शाया जाता है, जो परिवार है उसे कैसे दर्शाया जाता है। इसके बारे में भी आपको बताया है कि पारिवारिक वृक्ष से दर्शाते हैं, पारिवारिक बार चार्ट से दर्शाते हैं, पारिवारिक पाई चार्ट से दर्शाते हैं, या फिर किसी से भी दर्शाते हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि किसी परिवार को किससे दर्शाते हैं, पारिवारिक वृक्ष से दर्शाते हैं, और उस वृक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई जहां पर पति पत्नी रहते हैं और अविवाहित बच्चे रहते हैं उसे कौन सा परिवार कहते हैं, एकांकी परिवार कहते हैं या फिर एकल परिवार कहते हैं, ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, माता के पास सत्ता वाला परिवार है ना, तो इस परिवार को क्या कहते हैं, माता मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक,
पितृवंशी या फिर पितृस्थानी, क्योंकि माता यानी कि मातृसत्तात्मक परिवार होगा, यानी कि माता के पास सत्ता है तो वो मातृसत्तात्मक होगा, पिता के पास सत्ता है तो पितृसत्तात्मक होगा, है ना। पितृवंशी यानी कि पिता का वंश पिता के नाम से ही चले, जब वो मर जाता है किसी कारणवश तो उसका वंश कौन चलाएगा, उसका पुत्र चलाएगा, उसे पितृवंशी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। राइट आंसर आपको यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत के समर्थक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है भाई, कौन है। टाइलर है, सॉरी टाइलर है, फ्रेजर है, स्पेंसर है या फिर मार्गन है। परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत के समर्थक के बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका फ्रेजर। याद रखिएगा कौन होंगे, वो फ्रेजर होंगे, सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है, इंपोर्टेंट है ये प्रश्न भी, काफी पूछा जाता है। विद्यालय को बचपन का घर किसके द्वारा कहा गया है, कमेनियस के, मोंटेसरी लिखा हुआ है ना, मोंटेसरी के, फ्रोबेल के या फिर रेमांड के। तो विद्यालय को बचपन का जो घर है ये मोंटेसरी द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा, मोंटेसरी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य आपको बताना है कि क्या है आधारभूत तथ्य। चार विकल्प आपके सामने हैं, मानव का सामाजिकरण प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, या फिर उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना। यहाँ पर परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य बताना है, और आधारभूत तथ्य है मानव का सामाजिक प्राणी होना। याद रखिएगा ये परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर चार विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें सत्य कथन को आपको पहचानना है। सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं, भाई सभी परिवार को नियम एक जैसे नहीं होते हैं। एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती, तो ऐसा नहीं है, कभी घट सकती कभी बढ़ सकती है, कभी किसी की मृत्यु हो सकती है, कभी किसी का जन्म हो सकता है, तो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, तो तीसरा वाला विकल्प भी आपका गलत है। बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है, तो ऐसा नहीं है, बच्चा परिवार से भी सीखता है, खेल से भी सीखता है ना, जरूरी नहीं है कि स्कूल से ही सीखे, है ना। तो सही आंसर क्या होगा, माँ बाप से बच्चों में गुणों का जो स्थानांतरण है वो क्या होता है, अनुवांशिकी होता है, या फिर उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, परिवार से आशय। यहाँ पर देखिए परिवार से सीधा सीधा यहाँ पर आशय पूछा गया है कि भाई क्या आशय है, चार सॉरी तीन विकल्प दिए गए हैं और कूट में आपसे आंसर पूछा है, और सही कथन का चयन आपको करना है। परिवार एक संस्था है, बिल्कुल एक संस्था है, इसमें बालक का जन्म होता है, बिल्कुल होता है, इसमें बालक का विकास होता है, बिल्कुल होता है, तो इसमें सही कथन पूछा गया था, यानी कि ये सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ से प्राप्त होता है बच्चे को सामाजिकरण का बात, ये रहे चार विकल्प, क्या परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, या फिर सांस्कृतिक केंद्र से, या फिर धार्मिक केंद्र से। तो शुरू में मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, हमेशा परिवार से होता है, कहाँ से, परिवार से होता है। अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए एकल परिवार से तात्पर्य पूछा गया है, विकल्पों को बदल दिया गया है, अब यहाँ पर चार विकल्प आपके सामने हैं। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार है, तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, तो ये आपका संयुक्त परिवार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है एकल परिवार के बारे में, केवल पति पत्नी नहीं, पति पत्नी के साथ साथ क्या होने चाहिए, अविवाहित बच्चे होने चाहिए। ये कहाँ पर है, सेकंड वाले विकल्प में, कि परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहे उस परिवार को एकल परिवार कहा जाता है, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। देखिए सीधा सीधा पूछा गया है, चार विकल्प आपके सामने हैं, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है। कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, बिल्कुल साथ रहते हैं, माता पिता यानी कि महिला और जो पुरुष होता है ना, दो अलग भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा नहीं की जाती, और यही पूछा गया है, सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। इसमें समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, और सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है ना। तो आपका पहला, तीसरा और चौथा तीनों विकल्प करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला गलत है, और यही आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न,
प्राथमिक समाजीकरण के बारे में यहाँ पर पूछा गया है और चार विकल्प है। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना है, किशोरावस्था में समाज से सीखना है, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना है, यहाँ पे शिक्षकों का अनुसरण करना है। प्राथमिक समाजीकरण के बारे में पूछा गया है और करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखता है बच्चा, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज के बारे में पूछा गया है और इसके बारे में आपको बता चुका हूं कौन है। लेंट स्टिनर है, सॉरी जेनिंग्स है, पेंटिन एवं मास्ट है या फिर कार्ल मार्क्स है। देखिए मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो लेंट स्टिनर के द्वारा की गई थी और इनके बारे में आपको बता चुका हूं पहले। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया? चार विकल्प है आपके सामने, महात्मा गांधी, अरस्तु, क्रो या फिर मेकाइवर। तो यहां पर जो कथन है ये आपका दिया गया था अरस्तु के द्वारा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ये अरस्तु के द्वारा कहा गया कथन है। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज्यादा रहती है? तो जहां पर सबसे ज्यादा व्यक्ति वहां पर सबसे ज्यादा कलह की संभावना, जहां पर कम व्यक्ति वहां पर कम संभावना, तो वहां पर सबसे ज्यादा संभावना कहां पर होती कलह की? जहां पर ज्यादा व्यक्ति होते, ज्यादा संख्या में व्यक्ति होते, तो वो होते आपका संयुक्त परिवार में और यही आपका करेक्ट आंसर है। सबसे कम पूछा जाता तो आपका एकल परिवार होता। प्रश्न है आपका, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास जो है वो किसके द्वारा किया गया था? चार विकल्प हैं आपके सामने, क्या महात्मा गांधी थे, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो सती प्रथा जहां आ जाए वहां पर राजा राम मोहन राय आएंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? राजा राम मोहन राय होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? और इसके बारे में आपको बता चुका हूं क्या है समाज की सबसे छोटी इकाई, क्या देश है, परिवार है, समाज है या फिर समुदाय है। तो क्या बताया था मैंने, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जैसे परिवार में सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दायित्व के क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है। यहां पर देखिए कहने का मतलब है, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है, स्त्रियां जहां पर मुखिया होती हैं उस परिवार को क्या कहा जाता है? सीधा सीधा ये पूछा गया है। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, ये दोनों चीजें तो अलग अलग हो गई। आंसर आपका किसमें होगा? या मातृसत्तात्मक होगा या फिर मातृ वंशी परिवार होगा। परिवार लिखा हुआ है तो मातृसत्तात्मक है ना, जहां पर माता के हाथों में सत्ता हो वो मातृसत्तात्मक परिवार होता है और यहां पर यही दर्शाया गया है क्योंकि स्त्रियों की प्रधानता होती है ना पुरुषों की अपेक्षा। तो तीसरा वाला विकल्प है आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहां पर देखिए करेक्ट कथन पूछा गया है, चार विकल्प है आपके सामने, कि एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, सही कथन का चयन करना है। तो सामान्य बात नहीं है भाई, एकल परिवार हो चाहे आपका संयुक्त परिवार हो, दोनों में ही दहेज प्रथा सामान्य बात नहीं होती है ना। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, तो बाल श्रम चाहे वो एकल परिवार हो या फिर आपका संयुक्त परिवार हो, बाल श्रम किसी में भी सामान्य बात नहीं होती है। तीसरा विकल्प देख लेते हैं, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां, बिल्कुल तीसरा आपका करेक्ट होगा। दहेज तथा बाल श्रम जो है ये क्या है? समाज की बुराइयां है, सामाजिक बुराइयां है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य है, तो ये शहरों में भी सामान्य नहीं है। इस पर आपको सजा हो सकती है दहेज लेने में या फिर बालकों से श्रम करवाने में, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प भी आपको गलत होगा, सही क्या होगा? तीसरा वाला करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था शारदा एक्ट से संबंधित, कि शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? किससे है? सॉरी, बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से है, बाल श्रम से या फिर अनिवार्य शिक्षा से है? शारदा एक्ट का संबंध पूछा गया है किससे है, तो ये बाल विवाह से है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंध है, पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर, है ना। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? फिर से प्रश्न वही पूछा गया है लेकिन विकल्पों को यहां पर देखिए विकल्प भी वही है ना, शायद जो प्रश्न है वो रिपीटेड है और इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं।
कौन सी विशेषता नहीं है? तो मैंने क्या बताया था, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा नहीं की जाती है ना, यह आंसर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, प्रश्न रिपीटेड हुआ है, दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था है। यहाँ पर कथन पूछा गया है कि जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, कि परिवार का तात्पर्य क्या बता रहे हैं। यहाँ पर माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था है, ये किसके द्वारा कहा गया, क्लेयर, अरस्तु, प्रो या फिर मेकाइवर, ये जो कथन है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। आपके परिवार की परिभाषा से संबंधित जो कथन है उसमें मैं इस कथन के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, क्लियर। मैंने बताया था क्लियर द्वारा क्या कहा गया है कि माता पिता और बच्चों के संबंध की व्यवस्था है, ये किसके द्वारा परिवार कहा गया है, तो क्लियर के द्वारा कहा गया है ना। चलिए अगला प्रश्न। रीता अपनी नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है, इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। अब जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, या फिर दो तीन प्रश्न वो निकल गए हैं शायद, वो 2011 से लगाकर 23 तक पूछे गए प्रश्न आपके आएंगे। कुछ प्रश्न पहले भी बता चुका हूँ, अब जो आएंगे वो ऑनलाइन परीक्षा और ऑफलाइन परीक्षा दोनों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है, इस प्रकार की जो परिवार व्यवस्था है वो क्या कहलाती है। मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई है ना। पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया है, तो यहाँ पर इस प्रकार की बात भी नहीं की गई है। एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं, तो इस प्रकार की बात भी यहाँ पर नहीं की गई है। संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए सभी सदस्य यहाँ पर एक साथ रह रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है, ये आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया सीटेट एग्जाम में, क्या वो प्राथमिक सामाजिकरण का है, द्वितीयक सामाजिकरण का है, प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण का है, या फिर तृतीयक सामाजिकरण का है। यहाँ पर आपको बताना है कि भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की, यहाँ पर परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ये आपको बताना है। और यही प्रश्न को देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, प्रश्न क्या था कि परिवार क्या है, प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण, इस प्रकार का प्रश्न है सीधा सीधा, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। परिवार क्या है, तो ये प्राथमिक सामाजिकरण है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि प्राथमिक सामाजिकरण क्या है, क्या परिवार है, और चार विकल्प तीन विकल्प दे देते आपको, है ना। इस प्रकार से प्रश्न को थोड़ा सा सीटेट एग्जाम में घुमा दिया जाता है और आंसर उसका वही होता है। चलिए अगला प्रश्न, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा कथन पूछा गया है, यहाँ पर जो दिया गया कथन है वो क्या है भाई, सत्य है या फिर सत्य नहीं है ना, क्या ये सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, परिवार कभी भी एक प्रकार का नहीं होता है, और ये एक प्रकार बता रहा है, तो पहला वाला विकल्प आपका गलत है ना। दूसरा विकल्प सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यहाँ स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक है, जैविक होते हैं ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से भी कोई बात नहीं की गई है। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार, परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल करेक्ट है, और इस प्रकार के परिवार के बारे में आपको बता चुका हूँ, है ना। सत्य है क्योंकि यहाँ किसी आदर्श परिवार का आकार नहीं, फोर्थ वाला विकल्प भी आपको गलत है, सही आपका तीसरा वाला विकल्प होगा। चलिए अगला प्रश्न, टोटल 40 प्रश्न है, मैं शायद आपको बताना शुरू में भूल गया, टोटल 40 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, थ्योरी भी आपको मिल गई है ना, प्रश्न भी आपको मिल गए, प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न भी ये चल रहे हाल ही में, है ना। निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है, यहाँ पर सहयोग भावना के कार्य के बारे में पूछा गया है, क्या वो परिवार से सीखा जा सकता है, खेल और परिवार से, परिवार, समाज और खेल से, या फिर प्रतियोगिताएं आयोजित करके। तो जो सहयोग भावना से कार्य करने का जो अभिप्राय है वो आप परिवार से भी सीख सकते हैं, समाज से भी सीख सकते हैं, और खेल भावना से भी सीख सकते हैं, खेल द्वारा भी सीख सकते हैं, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। विकल्पों को देख लेते हैं, कहने का मतलब है 4 थीम दी हुई है, वहां पर आपको थीमों को पहचानना है कि कौन सी थीम है ना, पौधे, जानवर, परिवार और भोजन, पदार्थ। तो पदार्थ यहाँ पर किसी प्रकार की थीम नहीं है, और ये सही ढंग से है ना प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो 4 थीमें, परिवार और मित्र बिल्कुल करेक्ट है,
भोजन भी आपका करेक्ट है, पानी भी आपका करेक्ट है और यात्रा भी आपका करेक्ट है, यानी कि दूसरा वाला ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चीजें हम जो बनाते बिल्कुल थीम है और करते, भोजन भी आपके थीम है ना, और आपका आवास भी थीम है, पौधे भी थीम है, लेकिन पदार्थ नहीं है ना। तो तीसरा वाला विकल्प भी आपका गलत है, काम और खेल आपका उप थीम में आता है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, सेकंड वाला आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, ये थीम है, उप थीम है, क्या है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। थीम है, उप थीम है, विषय वस्तु है या फिर पाठ्यक्रम है, ये उप थीम लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो यहां पर आपको बताना है कि क्या है भाई। ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है, सभी को पता है थीम है, और इसकी उप थीम कितनी है, चार है। कौन कौन सी? संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर और पौधे, है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, थीम आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या में सुझावित थीम का उप थीम है। यहां पर पूछा गया है, देखिए चार विकल्प हैं, जो थीम है कितने प्रकार की थीम है, छह प्रकार की, उसमें जो उप थीम बताई है आपकी चार प्रकार की, वो किसकी बताई है, क्या वो परिवार एवं मित्र की है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, आवास या फिर जानवर और पौधे। तो टोटल जो छह थीम है उसमें एक ही थीम ऐसी परिवार एवं मित्र जिसकी चार उप थीम बताई है, बाकी किसी की भी उप थीम नहीं है, इसका मतलब पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य, यहाँ पर देखिए चार विकल्प हैं और इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है वो आपको बताना है। यहाँ पर विद्यार्थी की प्रकृति का आकलन करना है, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, या फिर विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना होता है, अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना होता है, या फिर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना होता है। यहाँ पर कूट में आपको आंसर सॉरी देना है ना। तो हम शुरू में चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या पूछा गया है, परिवार एवं मित्र जो पाठ है उसके बारे में पूछा गया है कि इसके पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है, चेतन, है ना। तो इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, बिल्कुल प्रगति का आकलन करना होता है। बी विकल्प देख लेते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, बिल्कुल यहाँ पर बी वाला विकल्प भी आपका करेक्ट होगा। तीसरा देख लेते हैं, अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना, बिल्कुल करेक्ट आपका तीसरा भी होगा। विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना, ये आपका परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थी की जो परीक्षण लेने का निर्णय लेता है, तो ये सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य नहीं होगा परीक्षण का। तो फोर्थ वाला विकल्प इसमें नहीं आएगा, कौन सा आएगा, ए बी और सी। ए बी सी किसमें, सेकंड वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, एनसीईआरटी जो बुक है इसकी कक्षा 5 की ईवीएस लिखा हुआ है ना, ईवीएस लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य क्या है। आपने देखा होगा कक्षा 5 में मेंडल की एक कहानी है, तो जो उद्देश्य है उसके बारे में आपको बताना है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था जैसे कि आपको पता होगा, है ना। तो यह अनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करता है ये पाठ। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी को प्रेरित करता है, या फिर वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करता है। क्या करता है, क्या उद्देश्य क्या है इस अध्याय को लाने का कक्षा 5 में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कूट में आपको आंसर देना है। देखिए इसका सही आंसर होगा, ये हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करता है। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी को प्रेरित करता है, साथ में वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को भी केंद्रित करता है, यानी कि बी सी और डी। बी सी डी कहां पर है, सेकंड वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण है। यहां पर देखिए इस प्रकार का जो स्थापन है, पेड़ पौधे एवं पशु, ये क्या है, परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, यानी कि क्या है, ये उप थीम है। अब ये क्यों है, इस प्रकार का स्थापन क्यों है, क्या कारण है, इसके बारे में आपको तीन विकल्प दे रखे हैं और कूट में आपको आंसर देना है। तो यहां पर देखिए, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। तो यहाँ पर देखिए पेड़ों के बारे में दिया हुआ है और पशु के बारे में, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा,
है ना, पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने, बिल्कुल करेक्ट होगा। बी वाला विकल्प देख लेते हैं, पेड़ पौधों एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना, बिल्कुल बी वाला विकल्प भी आपका गलत है। उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते, तो इस प्रकार की कोई अवधारणा नहीं होती, धारणा नहीं होती है। तो आपका ए और बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पर ए और बी कहाँ पर है, पहले वाले विकल्प में, वो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उपथीम है, यहाँ पर पूछा गया है थीम परिवार तथा मित्र हैं, इसकी उपथीम कौन सी है वो आपको बताना है। चीजें जो हम बनाते और करते हैं ये क्या है, एक प्रकार के थीम है। भोजन एवं जल, हमारा आश्रय, ये सभी क्या है, थीम है। लेकिन कार्य तथा खेल, जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर और पौधे, ये क्या है, ये सभी थीम है। लेकिन कार्य तथा खेल क्या है, ये उपथीम है, और इसके बारे में पूछा गया था, तो सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है, यहाँ पर, यहाँ संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में ही, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने का, ये किसके बारे में है ना, इसके बारे में पूछा गया, किस वंश वृक्ष एवं उपयोगी उपकरण है ये, यहाँ संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, यहाँ केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है, यहाँ केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनकी आपसी संबंधों के बारे में है, या फिर यहाँ अनेक पीढ़ियों के परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में, किसके बारे में है ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों के विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष, तो ये क्या है, ये अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है, किस संबंधों के बारे में है, अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शायद हाँ, अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उपविषय, यहाँ पर देखिए उपविषय यानी कि उप थीम के बारे में पूछा गया, सीधा सीधा है ना, तो परिवार और दोस्त यानी कि मित्र, ये क्या है आपका थीम है, आश्रय आपकी थीम है, यात्रा आपकी थीम है, लेकिन पौधा क्या है, पौधा आपकी उप थीम, और यही प्रश्न में पूछा गया था, तीसरा वाला विकल्प सही है, ये आपके 2011 से लगाकर 23 तक पूछे गए प्रश्न थे, ये आपका जो दिसंबर में एग्जाम हुई थी आपकी 2023 में है ना, ऑफलाइन एग्जाम, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा, परिवार, घुमंतू परिवार होगा, यहाँ पर देखिए अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है ना, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इकाई योजना का शीर्षक क्या होगा, परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, परिवार संबंध भी होना चाहिए, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, जो इकाई योजना का शीर्षक होगा वो परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो ये थे आपके 40 प्रश्न, थ्योरी भी आपको बता दिया, जो इंपोर्टेंट एमसीक्यू है वो भी मैंने आपको बता दिया, जो प्रीवियस ईयर पेपर के में प्रश्न पूछे गए थे वो भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कम से कम 10 बच्चों के पास में ये वीडियो आपको सेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में आपको ये वीडियो सेंड करना है, और कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना है इस प्रकार के वीडियो चाहिए, तो मैं एक एक वीडियो करके सारे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, आपके एग्जाम नहीं होगी उसके पहले, और सभी के सभी फ्री में उपलब्ध कराऊंगा है ना, किसी भी प्रकार का चार्ज आपको यहाँ पर नहीं देना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, वीडियो को शेयर आप कर ही दोगे, तो आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।